अयो बारा पटा चौबीस करोल बाग आ जाइयो। अरे तू कहां भाग रहा है? वो पापा जी, वो अनीता का सामान था तो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक तो हो गया। थैंक यू सिमिति, थैंक यू सो मच। कोई चिंता मत कर, बस अपनी शादी की तैयारी स्टार्ट कर दी। नहीं, मुझसे पहले आपकी शादी की तैयारी करनी। मुझसे पहले आप सजेंगी ना? अभी हाय। थैंक यू भाई। अगर तुम मुझे वहां जाने को नहीं बोलता ना, तो मेरे और अनुज की शादी तो इम्पॉसिबल थी। अरे बहना, तेरी शादी तो अनुज से ही होनी थी, और वैसे भी किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है ना, जो किस्मत से लड़कर उसे अपने हिसाब से बनाने को तैयार रहते हैं। वाह 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 वाह। ओह थैंक यू। थैंक यू लिटिल ब्रदर। यख, ठीक है। वो अनुज की बहन का क्या हुआ? उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ये सब सिमिदी की वजह से ही तो हुआ है। तुझे पता है, वो बिना किसी को घर पे बताए यहाँ आकर डैड को मना कर गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग है सिमिदी। जरूर उनके पास भी कोई लकी बेल होगी। ओह गॉड, अभी तू अभी भी उस लकी बेल के पीछे पड़ा हुआ है? हाँ दी। अभी अब तू बड़ा हो गया है, ये घंटी शंटी का चक्कर छोड़, ये बता कोई लकी गर्ल मिली क्या? कम ऑन दी, चेंज द टॉपिक प्लीज। बताना, उस कनिका के साथ तेरा ब्रेकअप हो गया था ना? ब्रेकअप पार्टी तो दी ना तूने? देख, ब्रेकअप पार्टी देना बहुत जरूरी है, वरना नई गर्लफ्रेंड नहीं बनती। और पुरानी गर्लफ्रेंड का साया भटकता रहता है पनौती की तरह। वो व्हाट वदी पनौती? अब एज इन कलावती, राइट? पनौती अमरावती, राइट? अरे आई मीन हीरावती, एम आई राइट दिस टाइम? स्माइलवती, राइट? स्माइलवती। नो, दीदी मैं वापस के मत जाऊंगा। दीदी नहीं, माँ, स्माइलवती। के पास तो तेरा नंबर भी नहीं है, क्यों उठाएगा किसी अनजान का फोन? लेकिन अगर वो उठा लेता तो मैं। ये मेरा नंबर है, कभी मन किया तो फोन कर लीजिएगा। और हाँ, ये घंटी बजा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप ही हैं। क्या बात करना चाहती है तू उससे?
अपना दर्द बताकर तुझे क्या मिल जाएगा, क्या बदलेगा? यही तेरी किस्मत में है सिमी। हर फैसला सिर्फ अपने लिए नहीं लिया जाता, यही कहा था ना तूने उससे? सिमी, हमें सब जल्दी जल्दी करना होगा बेटा। अगर 3 दिन बाद शादी है तो मेहंदी और संगीत तो कल परसों में ही करने पड़ेंगे। सब लोगों को फोन करना पड़ेगा, कार्ड्स तो जिनके पास पहुंचे सो पहुंचे। बेटा ऐसा कर, तूने ये अपने कपड़े छांट ले, जो नहीं लेके जाने उन्हें रख दे और जो ससुराल लेके जाएगी उन्हें अलग कर ले। ये तो तूने धुलवाया भी नहीं अभी तक, ये तो फट भी गया है। इसे छोड़ दे, इसे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए कितने सारे नए कपड़े बनवा कर रखे हैं मैंने, सब एक अलग सूटकेस में पैक कर दूंगी। हाँ माँ, मैं ये सूट फेंकना नहीं चाहती। लेकिन बेटा, फटे कपड़े अपशकुन माने जाते हैं। माँ, ये सूट पहनकर मैं राजीव जी के साथ पहली बार अकेले घूमने गई थी, ये उस मुलाकात की निशानी है। मैं समझती हूँ बेटा, कोई बात नहीं, रख ले। अच्छा, मैं इसे रफू करा के धुलवा दूंगी। आप क्या क्या रफू करोगे माँ? मेरा मतलब है, मैं इसे सी दूंगी। नहीं बेटा, तू अब कुछ नहीं करेगी। तू पार्लर जाने वाली थी ना नीतू के साथ, कब जाएगी? तू तो बस अब इस घर में दुल्हन बनकर, कितना कुछ किया है तूने इस घर के लिए, अपने पापा जी के लिए, अपने भाई के लिए। मैंने जो किया है अपने घर के लिए किया है माँ। अच्छा, मंदिर होकर नहीं आई ना तू? मंदिर चली जाना, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। मैंने बोला था अगर अनीता के रिश्ते का मामला सुलझ जाएगा तो तू ले ले, मैं बाकी काम देखती हूं। मिली, ये भी ना पता नहीं बस। दी, आपने मेरा फोन देखा क्या? एक तो उसके बिना मेरा काम भी नहीं होता है ना। कहाँ है? नीतू, नीतू, ये आटा गूंथते गूंथते किधर चली गई है यार? कोई चीज जगह पे नहीं मिलती। सुनिए जी, मैंने यहां मेहमानों की लिस्ट रखी थी, आपने ली क्या? दी, सिमी दी, वो फोन भी थे आप, कौन है? आप राजीव जी? अच्छा, वो मैं रोटियां बनाना शुरू करूं या आपको कोई और सब्जी बनानी है? नहीं तो रोटी बना ले। अच्छा ठीक है।
हेलो 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 मुझे लगा था आप ही होंगी, यू नो इट्स सो इंटरेस्टिंग। इतने दिन बीत गए लेकिन आपने अपनी बात शेयर करने के लिए फोन तक नहीं किया, और आज आज मैं आप ही को याद कर रहा था और आपका फोन आ गया। आज मुझे आपसे काफी सारी बातें शेयर करनी है। एक काम क्यों नहीं करते, क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? हेलो। हाँ ग्रेट। देखिए मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, एक घंटे में मिलते हैं कुतुब मीनार पे। ठीक है, मैं एक घंटे में पहुंच जाऊंगी। बाय। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का क्या है सर, हमेशा की तरह बना रही है पॉलिसी। और एमसीडी क्या कर रही है? एमसीडी का भी वही हाल है कि प्लानिंग करेंगे, इस साल करेंगे या अगले साल करेंगे। हे 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 ला 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 La 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 thank you, nice meeting thank you, aapko main milta hu, most welcome। Excuse me. Hi. कैसी हैं आप? ठीक। एक मिनट ना, एक मिनट। चॉकलेट? जी मैं चॉकलेट नहीं। थैंक यू। आई नो आप मीठा ना खाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप मोटी नहीं है, खाते पीते घर की लगती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप इकलौती होंगी, द ओनली चाइल्ड? जी नहीं, मेरा एक भाई है और दो बहनें, मैं सबसे बड़ी हूँ। वही तो कह रहा हूँ मैं, पहला बच्चा, द फर्स्ट चाइल्ड। माता पिता बिगाड़ ही देते हैं एक्स्ट्रा लाड़ प्यार में, ज्यादा हेल्दी कर देते हैं। वैसे आपने पूछा नहीं मैंने आपका मुंह क्यों मीठा करवाया। मैंने अभी मुंह मीठा किया ही नहीं। अरे तो कीजिए ना, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, बड़े पंगे थे लेकिन मैंने आकर सब कुछ ठीक कर दिया।
ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, याद है? हैप्पी एंडिंग्स। मेरी भी शादी हो रही है अगले 3 दिन में। उसी से घर पर तो आपने किसी को बताया नहीं होगा। बताने के लिए कुछ था ही नहीं। कोई अनजान आदमी करे तो अटेम्प्ट टू रेप है, लेकिन बॉयफ्रेंड या मंगेतर करे तो सब कुछ नॉर्मल है ना? बात इतनी सिंपल नहीं है। सॉरी, मेरे लिए तो है। होगी, मेरी उम्र तक आते आते बात इतनी सिंपल नहीं रह जाती। क्या उम्र है आपकी? प्लीज इन टिपिकल इंडियन लड़कियों की तरह बात मत कीजिए। 30 साल तक आते आते पता नहीं अपने आपको दादी माँ समझने लगती है। और एक बात, 5-6 साल ही छोटा होगा आपसे मैं, इसीलिए नहीं समझेंगे आप। और समझना भी नहीं है, जिस फैमिली के लिए ये सब आप कर रही है ना, उस फैमिली को सच्चाई भी पता होनी चाहिए। अरे किसी को भी बताइए, अपनी मॉम को बताइए, उन्हें डिसाइड करने दीजिए क्या सही है और क्या नहीं है। आप ऐसे ही किसी रेपिस से शादी नहीं कर सकती हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हैं आप। मैं नहीं बता सकती। हर फैसला अपने लिए नहीं किया जाता, यही कहा था ना आपने? अगर आप सुसाइड करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता। या तो आप अपनी फैमिली से बात कीजिए या फिर आप मुझे कॉल मत करना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सुनिए सुनिए, आपका कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह बात करने का। माना कि आपने एक बार मेरी जान बचा ली तो इसका मतलब ये नहीं आप मुझसे कुछ भी बोलेंगे। आप होते कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं और मेरी फैमिली के लिए इसकी क्या मायने है। मैं जानती हूं किस किस की खुशियां जुड़ी मुझसे, और अगर आपको मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो बेहतर है आप मुझसे बात मत कीजिए।